नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी है। आज पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। 8 मार्च के बाद से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर संकट के बादल घिरे हुए हैं। जब विपक्षी दलों के नेशनल असेंबली सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया विपक्षी दलों की तरफ से, कई पार्टियों ने मिलकर इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग N समेत कई विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कई सांसद बागी हो चुके हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद एक बार फिर ये सवाल सतह पर आ गया है कि आखिर इस अहम राजनीतिक मुकाबले में सबसे ज्यादा ताकतवर सेना कहाँ खड़ी है। इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत क्यों आई? क्या है आगे के विकल्प? आर्थिक तंगहाली और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में क्या एक बार फिर लोकतंत्र सिर्फ दिखावटी साबित होता दिख रहा है? पाकिस्तान में लोकतंत्र, सत्ता और सेना की भूमिका पर आज हम मुद्दा आपका में चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट सुशांत सरीन, साथ ही मेरे साथ हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से डिस्टिंग्विश्ड फेलो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राकेश शर्मा, और मेरे साथ जुड़ी है हमारी तीसरी मेहमान सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज से डिस्टिंग्विश्ड फेलो डॉक्टर शालिनी चावला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा आपका में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत जी, पहले शुरुआत आपसे करूंगी और मैं थोड़ा समझना चाहूंगी कि ये स्थितियां जो हैं पाकिस्तान में वो आखिर क्यों बनी, क्योंकि अगर ऊपरी तौर पर देखें तो विपक्षी पार्टियां हैं जो अविश्वास प्रस्ताव एक सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ लेकर आ रही हैं। ये हमें राजनीतिक स्थितियां दिख रही हैं। क्या ये सब सेना की सहमति से हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके पीछे सेना की भूमिका क्या दिखती है? बिना सेना की सहमति के तो ये कदम विपक्षी पार्टियां उठा ही नहीं सकती थी। जब से सेना और सरकार के बीच में एक जिसे आप कहें कि रिश्ते जो एक बद से बदतर होने शुरू हुए हैं या खराब होने शुरू हुए हैं पिछले साल अक्टूबर के महीने से, तब से ये नजर आ रहा था कि सेना ने जो समर्थन दिया हुआ था इमरान खान की सरकार को, वो उससे किनारा कशी कर लिया था। और वो एक सिग्नल था विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि इससे पहले भी विपक्षी पार्टियों ने कोशिश करी है इमरान खान की सरकार जो थी, जो कि फौज लेकर के आई थी सत्ता में, उसको हटाने की पहले भी वो कोशिश करते रहे हैं। लेकिन सेना का क्योंकि समर्थन इमरान खान के साथ था, इसलिए वो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन पिछले साल अक्टूबर से जब से सेना ने अपना जो सहारा दिया हुआ था वो खींच लिया है वापस, तब से ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है और तेज हो गई। तो ये तो मेरे ख्याल से नो ब्रेनर के, क्योंकि सेना से एक तरीके का सिग्नल मिल गया था कि आप अगर कुछ करना चाहें तो उसके बीच में हम नहीं आएंगे, इसीलिए ये जो हालात हैं यहां तक पहुंचे। इसका दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान की जो सरकार थी वो तीन या एक्चुअली पांच के करीब हैं उनके सहयोगी दल, उनके सहारे से खड़ी हुई थी, उनके सहारे से उनके पास एक मजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, और वो सारी की सारी जो छोटी पार्टियां थी वो अपने निर्देश जो है फौज से लेती है। क्योंकि फौज ने हाथ खींच लिया था तो अब इन पार्टियों को ये लगा था कि एक तो इमरान खान जो है वो पॉपुलर भी बहुत ज्यादा नहीं रहे, और अगले चुनावों में अगर उनके साथ जाएंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे चुनावी राजनीति में, तो वो भी एक विकल्प ढूंढ रहे थे। और जब से सेना ने हाथ हटाया इमरान खान के ऊपर से, तो फिर इनके विकल्प खुल गए और इन्होंने भी अपना जो वजन है वो विपक्षी पार्टियों के पाले में डाल दिया। तो इसी हालात अब इस तरीके के हो गए हैं कि इमरान खान बहुमत खो चुके हैं, अब मात्र उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पर प्रूफ करने की जरूरत है, लेकिन बिना सेना के ये सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा, मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगी। जैसे अभी सुशांत जी ने क्लियर किया कि किस तरह से सेना का भूमिका इस बार भी सामने आ रही है, जब इमरान खान ने सत्ता संभाली थी तब जाहिर तौर पर जो सेना का समर्थन है वो उनके साथ था, लेकिन ऐसी क्या स्थितियां, परिस्थितियां हाल फिलहाल हुई जिसके बाद सेना का सहारा इमरान खान को नहीं मिल रहा है? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं सुशांत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये इमरान खान को मालूम होना चाहिए था कि आज की बात नहीं है, 75 साल से जिसको ये लोग इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ही
गवर्नमेंट को रन करता है, आप कोई प्राइम मिनिस्टर ले आए या बदल जाए, एस्टेब्लिशमेंट में ही चलता है, एस्टेब्लिशमेंट का माने पाकिस्तान आर्मी होता है। अब शायद ये इमरान खान को लगने लगा था 3 साल में कि भैया वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और वो आर्मी के बगैर उसके बगैर भी काम कर सकते हैं, और उन्होंने DGISI के कुछ चेंज करने के लिए अपना पहले वाला DGISI था उसी को रखने के लिए बात की, और जो प्राइम उसको चीफ को मंजूर नहीं था, और इसी कारण से वहाँ से उसका उनका एक बातचीत शुरू हो गई इस किस्म के लगने लगा था कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश नहीं है। और इमरान खान को मालूम होना चाहिए था कि आपकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, आपकी पॉपुलैरिटी ये कि आप क्रिकेटर थे या आप बहुत ही स्टाइलिश थे, उसका कोई मायने नहीं रखता है पाकिस्तान में, मायने सिर्फ रखता है कि पाकिस्तान की आर्मी क्या चाहती है। और इसी कारण से उन्होंने जब हाथ खींचने शुरू किए तो पीछे से बातचीत शुरू हो गई थी, अपोजिशन पार्टी जाके चीफ से मिलना शुरू हो गई, तो एक राइटिंग दीवार पे आ गई थी कि कुछ होने वाला है, और ये इमरान खान को सुधर जाना चाहिए था और वापस उसी तरीके पे आना चाहिए था एस्टेब्लिशमेंट से मिलने के लिए। और यही कारण था कि अभी सिचुएशन और कंट्री का बुरा हाल है, उनके पास इकोनॉमी बहुत बुरी हालत है, उनका कैपिटल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उनका इन्फ्लेशन भागा जा रहा है, चाइना ने भी हाथ खींच लिया पैसा देने के लिए, तो एक राइटिंग थी वॉल पे। IMF ने इतनी सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसके बावजूद भी इमरान खान वेलफेयर पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, तो ये नो ये उनको उनको मालूम होना चाहिए था हालत खराब है, और उन्होंने पता नहीं किस कारण से अभी एक रैली की। कल रैली कितनी मजाकिया रैली थी, डेढ़ घंटा बोला, कोई मतलब की बात ही नहीं थी उसमें। सो आई थिंक अब उनका दिन गिने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शालिनी चावला, किसी भी देश में अगर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो सत्ता है उसकी बागडोर सेना के हाथों में होने का मायने क्या है, मतलब क्या है? देखिए, और ये थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस डिस्कशन में। सेना के हाथ में जब बागडोर होती है तो ऑब्वियसली जब आपकी जो पॉलिटिकल सेटअप है वो सारा आवाम के बारे में ना सोच के सेना के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित है उसके बारे में, वहां से सारा आपका ड्राइविंग शुरू हो जाती है पॉलिसीज की। आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं या आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको जो हम एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, मिलिटराइजेशन ऑफ द पॉलिसीज। सो अब अगर आप पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल देखें, क्योंकि सेना इसमें बहुत इन्वॉल्व थी, अब हम हिस्ट्री में तो जाने का इस टाइम समय नहीं है, लेकिन वो इतनी इन्वॉल्व थी इस पूरे सिस्टम में, है पॉलिटिक्स में, कि आप उनकी सारी पॉलिसीज को देखिए, जो एक्सटर्नल पॉलिसीज भी हैं, जो उनका US के साथ उनका अलायंस हुआ, चाइना के साथ जो अलायंस शुरू हुआ, वो सारे एक मिलिट्री के इंटरेस्ट को केटर कर रही थी, और मिलिट्री के इंटरेस्ट को केटर करती है, मिलिट्री का पावर एक्सपेंशन होता चला गया सिविल सोसाइटी में, पॉलिटिकल सेटअप में, और वो उनके एक्सपेंशन की वजह से उनको एक बहुत एक आर्थिक एडवांटेजेस जो आप कहते हैं, इकोनॉमिक स्टेक्स भी उनके बहुत बढ़ गए। तो ये एक तरह का एक विशियस सर्कल जो है वो पाकिस्तान में हो गया, जो सेना के एंगेजमेंट से उसके इंटरेस्ट इतने बढ़ गए कि अब वो पीछे नहीं हट सकती थी उससे, मतलब देयर इज नो वे द मिलिट्री कैन बैक आउट। सो ये एक आवाम के जो हितों की चीज होती है नीतियां, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है अगर सेना का इतना कंट्रोल हो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। और वही चीज हमने पाकिस्तान में देखी कि वो कंट्रोल, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जैसे ही वो एक स्टेज आता है, और ये बड़ा क्लासिक सा साइकिल है पाकिस्तान में कि किसी प्राइम मिनिस्टर को वो लेके आते हैं, वो बहुत ज्यादा उसके अराउंड पूरा एक प्रोपेगेंडा होता है कि मतलब ये नया फेस है और चेंज कर देगा, एंड 2-3 साल के अंदर वो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने को असर्ट करना शुरू करता है, और उसके बाद वो इश्यूज उनके अंदर शुरू हो जाते हैं। और जो सेम चीज हमने इस पूरे फेज में इमरान खान के दौरान में भी हमने यही देखी, जब सेना उनको लेके आई तो एक बहुत ही क्लीन इमेज के साथ कि भाई ये परफॉर्म करेंगे। खैर, उनके केस में एक तो इनकी टसल शुरू हुई, दूसरा इमरान खान की कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस और कोई परफॉर्मेंस नहीं, इकोनॉमी का नीचे जाना, पंजाब में इश्यूज होना, अनपॉपुलैरिटी बढ़ना, बहुत सारे इश्यूज उसके साथ अटैच होते चले गए इन दिस पर्टिकुलर केस। बट आपका जो सवाल है कि जब सेना का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है
तो जो उसमें एक लाइन ये आती है कि आवाम के इंटरेस्ट के लिए फिर नीतियां नहीं बनती हैं, उसके पॉलिटिकल सेटअप जो है वो सेना के हितों को ध्यान में रखकर आंतरिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाता ठीक है। है। तो सुशांत जी, आखिर पाकिस्तान में सेना के हित हैं क्या, उसका मकसद है क्या? क्योंकि कई बार जब हमने देखा एक तरह से उम्मीद बंधी लोकतंत्र की बहाली की पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो नवाज शरीफ के समय में रही हो, तब भी हमने आम लोगों के बीच से ही सुना परवेज मुशर्रफ के बारे में, क्या उन्हें याद किया जाता रहा। सेना क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं पाकिस्तान में, मकसद क्या है? सेना जो चाहती है वो तो बड़ी सिंपल चीजें हैं कि जौन से चीजें उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं या जिसमें उनका इंटरेस्ट है उस पर कोई सिविलियन अमल दखल ना हो, कोई उसमें वो अपनी कोई नीतियां ना बनाए, वो सेना की नीतियों पे चले। उसमें चार पांच चीजें बड़ी हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है वो, उसमें सिविलियन गवर्नमेंट का कोई अमल दखल ना हो। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी के कुछ मुद्दे हैं, अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन, भारत, इन मुद्दों के ऊपर किसी सिविलियन का कोई अधिकार ना हो, उसमें सेना से वो बात कर पॉलिसी बनाए। तीसरी चीज ये कि जो न्यूक्लियर इशू है उसमें उन्हीं का बोलबाला चले। और चौथी चीज, जो सेना के अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट है, सेना का जो बजट है, सेना का जो दबदबा है, सेना की जो सारी की सारी जो वो इंडस्ट्री चलाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस पाकिस्तान सेना है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट एजेंसी है या जो ठेकेदारी है वो सेना करती है। सबसे बड़ी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो सेना की है। सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चरल लैंड है या जो जमीन है वो सेना के पास है। तो सेना का जो एक एक जो जिसको मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड कहते हैं या जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं सेना के, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश करते हैं, तो उस पर भी कोई अमल दखल ना हो। मोटा मोटी ये चार पांच चीजें हैं। और इसके साथ साथ फिर वो ये चाहते हैं कि जब हमको ये सब कुछ मिल जाए तो आप देश को अच्छी तरीके से चलाइए, वहां पर आप गवर्नेंस ठीक करिए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए। विडंबना ये है कि एक तरफ जो कुछ सेना चाहती है उससे पाकिस्तान की जो जड़ें हैं उसको वो काट रही है, और दूसरी से वो चाहती है कि जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका जो पेड़ है वो बढ़ते रहे और तगड़ा होते रहे। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। अब यहां पर बैठे हैं और ये आपको बताएंगे कि सेना का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये होता है कि भाई जो यूनिटी ऑफ कमांड है, कि एक आदमी जिसको जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको लोगों ने चुना है, वो अपना जो दायित्व है उसको निभाए, उसमें कोई और अड़ंगा ना लगाए। क्योंकि जैसे ही कोई और अड़ंगा लगाएगा तो वो बात खत्म हो जाती है। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि लोग तो निर्वाचित करते हैं पॉलिटिशियंस को, लेकिन फिर सरकार जो है वहां पर उनकी जड़ें काटती रहती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि डेमोक्रेसी भी ठीक होगी, गवर्नेंस भी ठीक होगी, देश भी बेहतर चलेगा, अस्पताल भी बनेंगे, सड़कें भी बनेंगी, सारा कुछ तो आप लेके चले गए भाई, तो बनेगा कैसे? तो ये जो डाइकोटमी है पाकिस्तान के अंदर, इसको वो पिछले 70 साल से एड्रेस नहीं कर पाए, और ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा, जैसे अभी सुशांत जी ने भी कहा कि इस पॉइंट को वो एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर दुनिया के लिए एक अलग चेहरा क्यों, सेना खुलकर सामने क्यों नहीं आती? आज जो पाकिस्तान की स्थिति है, तंगहाली है, हम देख रहे हैं कितनी बुरी आर्थिक हालात से समय पाकिस्तान एक तरह से जूझ रहा है, उसे पटरी पर लाने के लिए फिर सेना सामने आकर क्यों नहीं एक तरह से सत्ता की कमान अपने हाथ में लेती है, दुनिया को दिखाने के लिए एक और चेहरा क्यों? सो हिस्ट्री में देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी ने कई बार अयूब खान से लेकर और मुशर्रफ तक सत्ता अपने हाथ में ली है, और उनको मालूम है कि सत्ता लेना भी इतना आसान नहीं है। 2-4 साल ठीक रहता है, उसके बाद सत्ता के बाद में आर्मी से ये चलती नहीं है, गवर्नेंस चल नहीं सकती है। मुशर्रफ के टाइम पे नहीं चली, अयूब खान के टाइम पे नहीं चली, जियाऊ खान के टाइम पे नहीं चली। उनको गवर्नेंस का वो तरीका नहीं आता है, पर गवर्नेंस लेने का एक चाव होता है कि भाई हमारे अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमको ही सब मालूम है देश में क्या हो रहा है, और वो टेक ओवर तो कर लेते हैं गवर्नेंस को, उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। और जैसे कि सुशांत जी ने बोला है कि एक पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, उनके में हर चीज नेशनल सिक्योरिटी से शुरू होती है और नेशनल सिक्योरिटी पे ही खत्म होती है, और नेशनल सिक्योरिटी का किसी को कुछ नहीं आता है, किसी पॉलिटिशियन को नहीं आता है, किसी
पीपल को मालूम, सिर्फ उनके आर्म्ड फोर्सेस को मालूम है या आर्मी को मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी से कैसा बर्ताव किया जाए। और जैसे आप जानते हैं सिक्योरिटी बहुत बड़ा शब्द है जिसमें हर चीज आ जाती है तकरीबन, तो वो आर्मी का ही दारोमदार है। तो इसके अलावा जो बाकी गवर्नेंस है, पॉलिटिशियंस है, उनको उनके हिसाब से कुछ मालूम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कॉर्पोरेटाइजेशन बोला है, पाकिस्तान आर्मी बैंक रन करती है, वो फर्टिलाइजर बनाती है, सुई से लेके ट्रांसफर तक हर चीज पाकिस्तान आर्मी रन करती है। इतना, और हर हर कॉर्पोरेट में टैक्स भी माफ कर देती है। तो उनके इसके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं हो पाता है। कोई और कंपनी चाहे कि अगर वो हम ट्रांसपोर्ट शुरू करें तो कर नहीं पाते, वो टैक्सेशन में फंसते हैं, जाके पाकिस्तान आर्मी की जो ये संस्थाएं हैं इन पे टैक्स नहीं लगता है, बैंक में नहीं लगता है। तो वो सब कारण से कोई इंडस्ट्री पनप ही नहीं पाती है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इंडस्ट्री रन करती है। दैट इज वाई तो उनके पहले DGISI को बोलते थे पिज्जा बेचता है, वो वास्तव में DG भी था और पिज्जा भी बेचता था बाहर। तो यू नो इस किस्म की तो संस्थाएं चलती हैं। तो उनकी एक डेमोक्रेसी की जड़ों को काटने का रीजन ही पाकिस्तान आर्मी है, और उनकी डेमोक्रेसी इसी कारण से पनप नहीं पड़ती है। हर वक्त जब बनता है कोई प्राइम मिनिस्टर, वो 2-3 सालों के बाद उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, बिकॉज उसकी किसी कारणवश पाकिस्तान आर्मी से झड़प हो जाती है और उसके बाद उसका टाइम पूरा हो जाता है। तो इस हिसाब से तो कोई कंट्री रन नहीं की जा सकती ना, जब तक कि कंट्री को अपने आप खड़े होने को प्रोफेशनलिज्म ना मिले और प्रोफेशनल लोग उसको खड़ा कर सके। तो संसार में कौन सा देश ऐसा है जो आर्मी ने चला के डिक्टेटरशिप में चलते रहे, फाइनली गवर्नेंस को उस तरीके से पब्लिक ही चलाती है, एक डेमोक्रेसी ही चलाएगी, एक संस्था चलाएगी। इस हिसाब से तो पाकिस्तान को कभी सुदृढ़ होने का चांस भी हमको नजर नहीं आता है। आपने कहा चांस नजर नहीं आता, डॉक्टर शालिनी चावला, यही हम समझना चाहेंगे, क्या कोई उम्मीद? दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और 75 साल आजादी के भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे कर रहे हैं। अब एक तरह से हालात जो पाकिस्तान के देख रहे हैं और उसमें सेना का दखल कहीं भी किसी पॉजिटिव वे में पाकिस्तान का चेहरा सामने नहीं ला रहा है दुनिया के सामने, क्या कोई उम्मीदें हैं आगे, कोई रास्ता, कोई उम्मीद पाकिस्तान में नजर आ रही है? देखिए अभी आगे जो मुझे दिख रहा है उसमें तो नहीं लगता कि कहीं कोई चेंज इसमें आएगा। जी, सेना की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि हम तटस्थ हैं, इसके भी मायने क्या है? इस कंडीशन में आज की डेट में जो वो कह रहे हैं तटस्थ है, उसका सिर्फ एक ही मायने है कि वो इमरान खान के अगेंस्ट है, क्योंकि वो उसको लेके आए और सडनली वो कहते हैं कि जी हम न्यूट्रल हैं, तो इसका मतलब है कि ठीक है आप आपस में कर लीजिए और हम चाहते हैं कि ये चला जाए। वो ओपनली इस बात को नहीं बोल के उन्होंने ये स्टेटमेंट रखी कि हम तटस्थ हैं, और ये स्टेटमेंट ये आज नहीं, ऑफ एंड ऑन ये इसकी मिलिट्री से हमको आती रही है कि हम नहीं इसके अंदर। तो ठीक है वो डायरेक्टली आके गवर्नेंस नहीं अपने हाथ में लेंगे जैसे प्रीवियस स्पीकर्स इन्होंने भी कहा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे अदर इश्यूज आर इन्वॉल्व। उनको है कि उनकी एक डोमिनेंस बनी रहे। देखिए वो बेसिक जो लाइन है पाकिस्तान के दो एस्पेक्ट की, वो अपने उसको डोमिनेंस जो मिलिट्री की है उसको नहीं छोड़ेंगे। और वो डोमिनेंस कैसे बनी रहेगी जब तक वहां पर एक थ्रेट परसेप्शंस, एक फियर बना रहे कि भाई एक अल्टीमेट गार्जियन जो है इसकी रखवाला पाकिस्तान की सिर्फ मिलिट्री है, और वो जब देखते हैं कि वो फियर थोड़ा गिर रहा है तो वो उसको किसी ना किसी तरह से उसको भारत का अफगानिस्तान की तरफ से उस फियर को वो हाईलाइट करके उसको हाईलाइट करते हैं कि बस हम इसको एक हम ही एक स्टेबल कर सकते हैं कंट्री को। तो आज की डेट में जो अभी की स्थिति है उसमें तो ऐसा कहीं से नहीं हमको अंदेशा आ रहा कि ये आगे जाके एनी टाइम सून अगर मैं बोलूं कि ये कोई चेंज इस तरह का आएगा, और मिलिट्री का कंट्रोल अभी रहेगा क्योंकि उनकी जड़ें बहुत अंदर तक है। जो आपके ये अलायंसेस हैं चाइना के साथ भी, ये मेनली मिलिट्री का अलायंस है, शुरुआत इसकी कंप्लीटली मिलिट्री के साथ हुई थी। सिविलियन लीडरशिप तो बस एक फसाद है जो होना चाहिए और डेमोक्रेटिक एक फेस होना चाहिए, बिकॉज वो उनको उनको मदद करता है उनका इंटरनेशनल लेवल पे वो फेस होना। आज की डेट में जहां पर भी सेना का अगर डायरेक्ट रूल होगा तो उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो इम्प्लीकेशंस को उनको क्या जरूरत है लेने की, और क्यों सत्ता को चला के वो इतना जो तामझाम हो रहा है उसको बखेड़े के अंदर क्यों घुसे? उनको अपनी एक डोमिनेंस बना के रखनी है और ये फसाद बना के रखना है जो उनके इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से केटर करता है। तो इसका चेंज मुश्किल है। ठीक, एनी टाइम। सुशांत जी, हालात पर जो पाकिस्तान के अभी आंतरिक हालात हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हो या तमाम और पहलू हो,
इस राजनीतिक संकट के बाद वो और कितने खराब होते दिख रहे हैं, और एक तरह से हम आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही है वो भी अभी एक तरह से उस पर भी फैसला होना है, तो वो उन हालातों पर इसका कैसा असर होगा? अभी तो देखिए जो हालात हैं वो तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया है, बिकॉज जब से ये जो राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई है तब से तो गवर्नेंस बिल्कुल ठप हो गई है ना। कोई सबकी तवज्जो जो है वो तो इस पे है कि सरकार बचेगी या सरकार जाएगी, और अगर सरकार चली जाएगी तो फिर अगले समीकरण क्या बनेंगे, और उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर इमरान खान की सरकार गिर जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन सत्ता में आएगा, कितनी देर के लिए आएगा, उसके बाद कब चुनाव होंगे, और चुनावों के बाद ही कोई स्थिर सरकार पाकिस्तान में आएगी, और जब तक वो नहीं होता तब तक एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, और उसमें कोई भी कारोबार और कोई भी अर्थव्यवस्था जो है उसमें चरमरा जाती है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो एक तो वो प्रॉब्लम है, उसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो भी आएगा सरकार में, तो अभी हालात खराब है और आगे चल के खराब होते रहेंगे जब तक कोई स्थायी सरकार ना आए। प्रॉब्लम ज्यादा ये है कि जो स्थायी सरकार आएगी उसके पास भी कोई रेडीमेड सॉल्यूशन या कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि वो एक कोई ऐसा कदम उठाए और अर्थव्यवस्था जो है वो दोबारा से पटरी पे चढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पे चढ़ाने के लिए एक नई पटरी बनानी पड़ेगी और उसमें बड़ा टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। अभी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले हालात और ज्यादा खराब होंगे और ज्यादा आपको दुश्वारियां लेनी पड़ेंगी, लोगों के ऊपर मुसीबतें थोपनी पड़ेंगी, चाहे वो तेल का दाम हो, चाहे वो बिजली का दाम हो, चाहे वो तमाम जो चीजें हैं उसमें आपको और ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी ताकि आप अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लेके आ सकें। और एक ऐसे टाइम पे जब ऑलरेडी जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जो इंडस्ट्री है वो टेक ऑफ नहीं कर रही, दुनिया भर में आपको कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा, कर्जे आप वापस, आपके पास पैसे नहीं है, तो हालात बद से बदतर होंगे और उससे भी ज्यादा बदतर होंगे उससे पहले कि ये बेहतर हो। और अगर वो आप इसमें कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन लगाने की कोशिश करें तो हो सकता है 3-6 महीने के लिए आपको कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसके बाद और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएगा हालात को वापस पटरी पे लेके आना। तो ये स्थिति होगी जो भी सरकार आएगी, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो कांटों का ताज अपने सर पर रखेगा, कोई और उसको कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं मिलेगी। इमरान खान ने ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान की, और मैं तो चाहता हूं कि ये बेचारे और रहते 1.5 साल के लिए, क्यों अगले 6.5 साल के लिए एक और टर्म के लिए रहते, ताकि जो काम के लिए हमने जनरल साहब को 40 साल तनख्वाह दी है वो हमारे को देनी ना पड़े और अपने आप इमरान खान ही हमारा काम कर देते। जी लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा, अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, हम जान रहे हैं यूएन में किस तरह से प्रस्ताव पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार लेकर आता रहा है, उसकी मंशाएं क्या रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब एक बार फिर इस चीज का सतह पर आना कि सेना किस तरह से दखलंदाजी करती है और किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान के अंदर है, किसी भी प्रस्ताव या फिर पाकिस्तान की बात और कितनी कमजोर पड़ती है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसके बाद? हमने इतने सालों से देखा है, 7 डिकेड से देख रहे हैं, 7 दशक से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर मंच पे हिंदुस्तान के अगेंस्ट कोई प्रस्ताव लेकर आता है, उसकी थोड़ी बहुत अपनी सपोर्ट भी पैदा कर लेता है 2-4 कंट्रीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग हिंदुस्तान को जानते हैं, हमारी स्ट्रेंथ जानते हैं, हमारा बर्ताव जानते हैं, जिस किस्म से हम इंडिपेंडेंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं और इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं वंचों में, संसार अब सब जानता है। तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया ये कोई एक प्रस्ताव है, जैसे OIC में एक प्रस्ताव हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में प्रस्ताव हुआ, क्या फर्क पड़ता है उसको? उसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया उनको लोन देने को तैयार नहीं है और 4% पे लोन देता है, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है और इतने गंदे टर्म्स एंड कंडीशन रहता है सऊदी अरेबियन के लिए कि अगर आपने कभी लोन का डिफॉल्ट हुआ तो 72 घंटे के अंदर आप हमारा लोन वापस करेंगे। इससे ज्यादा थप्पड़ क्या पड़ सकता है एक राष्ट्र को कि अभी उनका सबसे घनिष्ठ मित्र ही उनको ऐसे ऐसे रूल बनाता है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया कोई मंच पे हमारे बरखिलाफ कोई प्रस्ताव का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो शहबाज शरीफ को बना रहे हैं, हमने शहबाज शरीफ के भाई की गवर्नमेंट को देखा है, यू नो पाकिस्तान आर्मी की जो जो क्लाइंटेल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो पंजाब है। अब पंजाब में कुछ पंजाब के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी एक प्रस्ताव कल लाया गया है उनकी असेंबली में। तो पंजाब में जो होता है वो पाकिस्तान आर्मी को दर्द देता है। सो यू नो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, ये कौन से इनके में हीरे कौन से लगे हैं? ये लोग भी पहले तो गवर्नेंस में रह चुके हैं और इसी तरह पर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा हटाए गए थे, तो उनके आने से भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, डॉक्टर शालिनी चावला, एक छोटा सा कमेंट। सेना की दखलंदाजी, लोकतांत्रिक दिखावटी चेहरा पाकिस्तान का, इसका असर आप फिलहाल, हाल फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उनमें, जो पड़ोसी मुल्क हैं और एक तरह से दुनिया है, उस पर क्या आप देखती हैं? अभी तो उसमें हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान इटसेल्फ मतलब बहुत डिस्टर्ब है, तो उनका कंप्लीट फोकस अभी राइट नाउ तो अंदर ही है उसके। तो हमने, हम सेना का जो इंटरवेंशन है उससे हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे अफगानिस्तान को, कैसे यू नो तालिबान टेक ओवर किया, उसको कैसे उन्होंने कम्प्लीटली असिस्ट किया, वो हमने इफेक्ट देखा इमिजिएटली। भारत के साथ जो नीतियां चल रही है वो भी, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे पाकिस्तान में सिविलियन और मिलिट्री बहुत ज्यादा इनकी नीतियों में फर्क नहीं है भारत को लेकर, लेकिन हाँ मिलिट्री का जो वो स्ट्रेटजी है उसको हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस रहेगा, तो इमिजिएट इम्पैक्ट तो नहीं, बट हाँ इंस्टेबिलिटी जितनी रहेगी भारत के पाकिस्तान के अंदर, उतना कोई भी डायलॉग या कोई भी उनसे बातचीत करना उतना मुश्किल होगा। इमिजिएट इम्पैक्ट तो हम इसका यही देखते हैं, पर जैसे डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि वो भी आ जाएंगे, शरीफ ब्रदर्स भी, तो उसमें भी कोई हमारे को कोई बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं। सुशांत जी, इस पर आपका भी कमेंट। फिलहाल क्या चैलेंजेस और क्या इम्पैक्ट आप जो तात्कालिक हम एक तरह से असर कहें, वो आप क्या देखते हैं पड़ोसी मुल्कों पर और दुनिया के बाकी देशों पर? पड़ोसी में मैं तो जब भारत की बात करूंगा, देखिए एक बात तो ये है कि अगर इमरान खान चले जाता है तो ये तो जरूर पॉसिबिलिटी है कि जो राजनयिक संबंध है वो थोड़े बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो हाई कमिश्नर्स हैं वो दोनों देशों में वापस पोस्ट हो जाए, कुछ छोटी मोटी जो पाकिस्तान को जरूरत है बहुत सारी चीजों की भारत से, शायद उसका वो इम्पोर्ट करना शुरू कर दें। मुझे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है वो दोबारा से खुलेगा, क्योंकि हमारे को याद रखना चाहिए कि भारत ने ऑलरेडी मोस्ट फेवर्ड नेशन उनसे वापस ले लिया है, नंबर वन। नंबर दो, पाकिस्तान के तमाम जो पदार्थ हैं उसके ऊपर 200% ड्यूटी लगा दी है, जिसके बाद कोई भी उनका जो पदार्थ है यहाँ पर बिक ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा पेशरफ्त आगे चल के होगी। लेकिन इससे भी ऊपर उठ के अगर देखें तो ये छोटी मोटी चीजें तो आपस में चलती रहेंगी, जो पिछले साल से चल रही हैं। ज्यादा बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि क्या पाकिस्तान का जो रवैया है भारत की तरफ, एक दुश्मनी का और ऑलमोस्ट सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का, क्या वो तब्दील हुआ है और क्या वो इमरान खान के जाने से तब्दील हो जाएगा? और मुझे नहीं लगता उसमें कोई बदलाव आएगा, और जब तक उनकी मानसिकता वो रहेगी तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो पाए। बिल्कुल, और इसी के साथ समय ही पूरा हो गया। सुशांत सरीन आपका, डॉक्टर राकेश शर्मा आपका, डॉक्टर शालिनी चावला आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, दोनों देशों को आज़ाद हुए करीब 75 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन एक तरफ भारत में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो लगातार मजबूत होती चली गईं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बार बार लोकतंत्र का गला घोटा गया। असल में पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र एक अबूझ पहेली की तरह है और एक बार फिर ये सतह पर आ गया है, और सेना, सियासत और सत्ता के खेल में हर बार पाकिस्तान में असली लोकतंत्र की हार ही हुई है। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।